वही अगली खबर जनपद रुद्रप्रयाग से आ रही है, जहां लंबे समय के बाद निचले इलाकों में तेज हवाओं और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। वही मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। जानकारी के अनुसार शाम 7 बजे से भारी बारिश शुरू हो गई। लंबे समय से भारी बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली, साथ ही बारिश खेती किसानी बागवानी के लिए राहत साबित हुई। बता दें कि मौसम विभाग के साथ ही प्रशासन ने भी जनपद के लोगों को रात में और सावधानी बरतने को कहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आगे बात करने अभी आज और कल के लिए, जैसे मैंने पहले बोला था कि 31 और 1 को जो है बारिश की अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में मिलने वाली है, तो जहाँ ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश तो पूरे प्रदेश में है ही है, तो जो हैवी से वेरी हैवी रेन है आइसोलेटेड प्लेसेस जिसमें कि हमने रखे हैं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर। कल बात करें तो कल भी जो कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है, लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है, जिनमें कि नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर है, तो वहाँ कल भी हमने उसको जो अब अपग्रेड करके रेड में ही कर दिया कल के लिए भी। तो कल 1 अगस्त को भी जो है वहाँ पर अच्छी रेन मिलनी चाहिए, हैवी से वेरी हैवी रेन वहाँ पर कुछ जगहों तक में मिलने की संभावना है। इसी तरह जो हमारे गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर हैवी वेरी हैवी रेन इक्का दुक्का जगहों में जो है, जो देहरादून, टेहरी, पौड़ी या हरिद्वार की बात करें इनमें कल भी वो मिलने वाली है। तो इसमें हमने ऑरेंज रखा है कल के लिए, आज रेड है, कल थोड़ा सा कम किया उसको ऑरेंज में किया है। लेकिन ये है कि जो आज भी बारिश हो रही है, कल भी वो कंटिन्यू टीमें थोड़ी कम होने के बाद भी जो है जो इम्पैक्ट वो करीब करीब उसी तरह का वो दिखेगा।